bounded by the lines x equals to 2, y equals to 2 in first quadrant. First of all, x equals to 2 के line draw करने के लिए उस point generate कर लेते हैं. X और y, यहाँ पे x का value fix है 2,2, तो y का value कुछ भी लेट कर सकते हैं, 0 और 1, इस line का 2,0, ये point कुछ यहाँ पे आएगा हमारा, और दूसरा point 2,1, ये point कुछ यहाँ पे आएगा, it must be parallel to our y axis, x equals to 2. Now, y equals to 2, y equals to 2, ने? सिमिलरली इसके लिए भी कुछ पॉइंट जनरेट कर लेते हैं x y y का वैल्यू यहां पे फिक्स है x का वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं 0 और 1 ले लिया तो पहला पॉइंट 0,2 दैट मस्ट बी ओवर हियर एंड 1,2 इट शुड बी हियर ये लाइन आएगा हमारा पैरेलल टू x एक्सिस तो ये वाला लाइन आ गया हमारा y equals to 2 अब हमें बाउंडेड रीजन को डिटेक्ट करना है x equals to 2 y equals to 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो इनके बीच का कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला पर्सन So, ये वाला common person निकालने के लिए हमें ये चारों point को detect करना होगा O, A, B, C A वाला point हमारे पास है A वाला point का value हो गया 0,2 और B वाला point का value B का value है X equals to 2 Y equals to 2 दोनों का intersecting point है तो ये वाला point का value हो गया 2,2 अब C वाले point का value क्या होगा X is को cut कर रहा है already हम इसको draw कर चुके हैं इसका आ जाएगा 2,0 ये required reason का अब हमें area find करना है required reason किस बिहार पे ये whether x axis के बिहार पे या फिर y axis के बिहार पे दोनों के बिहार पे हम इसका answer निकाल सकते हम निकाल दें इसका x axis के बिहार पे then required reason equals to integration of x axis का value कहाँ से कहाँ तक vary कर रहा है 0 to 2 तक vary कर रहा है तो integration of 0 to 2 y1 dx एक ही line है यहाँ पे ये y equals to 2 वाले value को यहाँ पे put करना होगा 0 to 2 2dx 2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करेंगे दैट शुड बी 2 को बाहर रख लिया इंटीग्रेशन आ जाएगा x अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 minus 0 दैट शुड बी 4 स्क्वायर यूनिट्स दैट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर